जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, स्कूलों में बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, यानी कि काम करने वाले ही नहीं हैं, घंटी बजाने वाले नहीं हैं, साफ सफाई करने वाले नहीं हैं। और चपरासी का क्या क्या काम होता है आप सभी को पता है भाई, बाग बगीचों की देख रेख कर लेना, पौधे उधों में पानी डाल देना, गुरुजनों को पानी पिला देना, ये तमाम जो काम है ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के काम होते हैं। तो ऐसे काम अब कौन करेगा जब पद खाली चल रहे हैं? तो बच्चे करेंगे, सीधी बात है, तो बच्चों से ही ये काम करवाए जा रहे हैं। तो इसीलिए सरकार इसको जल्द से जल्द भर्ती को निकालने का प्रयास कर रही है। इसकी जो खबर है वो हम देखते हैं, बहुत सारे सूत्रों से हमने इसकी खबर जुटाई है कि भाई कब होने वाली है भर्ती, कब तक इसके आवेदन शुरू होंगे, सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार आप ही का चैनल है दोस्त, ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसको देखते हैं क्या खबर आई है, क्या नए बदलाव होंगे, क्या नए नियम लगेंगे, सारी चीज़ें हम एकदम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2024 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, खाली पद लगभग 18,000 से भी ज़्यादा चल रहे हैं। 18,000 तो है ही हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, कुछ कम नहीं है। खाली पदों पर भर्ती होगी, नियमों में संशोधन होगा, यानी कि भर्ती तो होगी होगी खाली पदों पर, लेकिन नियमों में भी संशोधन किया जाएगा। पहले जो नियम थे वो ये थे कि भाई योग्यता 5वीं पास थी और भाई परीक्षा होती नहीं थी, इंटरव्यू से ले लिया जाता था, उसका सिलेक्शन हो जाता था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इंटरव्यू ले लिया जाता था और 5वीं पास योग्यता थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा साथियों, क्योंकि अब कंपटीशन हाई हो चुका है और आप सभी को पता है एक सफाई कर्मचारी भर्ती जो है नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती है, उसमें भी कितना सारा कंपटीशन है। तो इस भर्ती में तो सोचो आप, इसमें तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो तो चलो भाई अनपढ़ भी फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन इसमें अब ऐसा नहीं होगा। इसमें 5वीं पास की योग्यता नहीं होगी, अब थोड़ा सा योग्यता को बढ़ा भी सकती है सरकार, तो वो भी हम चर्चा करते हैं। एज तो 18 से 40 है ही है राजस्थान में, ठीक है, 18 से 40 साल है। छूट मिलेगी तो वो हम नोटिफिकेशन आएगा तब देख लेंगे। आवेदन की बात करें तो आवेदन अभी साथियों इसके कमिंग सून है, बिल्कुल अभी इसके जो आवेदन है वो कमिंग सून है, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे साथियों, ठीक है ना। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, इस भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, अब तो आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता के हटने के बाद चुनावों के बाद ही अब इसका कुछ नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी सूचना हो वो अपने को देखने को मिल सकती है। जैसे इसकी कोई भी सूचना मिलेगी हम आपको तुरंत शेयर कर देंगे दोस्तों। और ये एक बहुत अच्छा खासा मौका है, लंबे समय से यहाँ पर भर्ती का इंतजार कर रही हुआ। फॉरम फीस 600-400 ये तुम्हारी रह सकती है, क्योंकि तुम्हारी सफाई कर्मचारी में भी 600-400 ही थे तो इसमें भी 600-400 है, और राजस्थान में भी जो भी भर्तियां ऐसे निकलती हैं तो इस बोर्ड के तो 600-400 ही रहते हैं लगभग लगभग। योग्यता पहले तो 5वीं पास थी साथियों, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 8वीं या 10वीं पास कर देंगे। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि 5वीं तो नहीं रखेंगे आपको, या तो 8वीं करें या फिर 10वीं करें, इसको बढ़ाया जाएगा, नियमों में संशोधन किया जाएगा। और एक चीज यह भी है साथियों कि 32 साल से भर्ती नहीं हुई है, 32 साल हो गए हैं इस भर्ती को, 1992 में अंतिम भर्ती थी, उसके बाद में कोई भी ऐसी सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं आई है स्कूलों में, समझ रहे हो ना, स्कूलों में कोई भी चपरासी की भर्ती, कोई भी डी ग्रुप का कोई पद ऐसा नहीं आया है जो भर्ती निकली हो, भर्ती निकली ही नहीं है लगातार 32 साल हो गए हैं भर्ती को। 90% स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है, 90% स्कूलें ऐसी हैं जहां पर सफाई कर्मचारी हो, चपरासी हो, कुछ भी ऐसा डी ग्रुप वाला पद है ही नहीं वहां पर कोई कर्मचारी, बच्चे ही करते हैं सारा काम, बच्चे ही साफ सफाई करते हैं, क्लास हो चाहे ग्राउंड हो, पौधों में पानी डालना, घंटी बजाना, पीरियड की बैल बजाना, सारा का सारा सारा का सारा काम बच्चे ही कर रहे हैं साथियों। इस वजह से अब इस योग्यता में बदलाव होगा,
पहले पांचवी पास और इंटरव्यू से चयन होता था, लेकिन अब नियमों में संशोधन होगा। अब योग्यता आठवीं या दसवीं पास रहेगी और एग्जाम होने की भी संभावना है। यानी कि इसमें यह भी हो सकता है कि परीक्षा भी ली जा सकती है। जहां तक है वहां तक अगर योग्यता आठवीं पास रहती है तो एग्जाम के चांस नहीं है, अगर योग्यता दसवीं पास चली जाती है तो फुल चांस है परीक्षा होगी। क्योंकि दसवीं पास कैंडिडेट जो इसमें फॉर्म भरेगा तो वो एग्जाम भी दे सकता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। साथियों पांचवी पास आदमी तो फिर भी भैया एग्जाम फाइट ना भी करे, उसको इतना नॉलेज भी ना हो, लेकिन जैसे ही इसकी योग्यता अगर दसवीं पास करेगी सरकार तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें परीक्षा होगी, टेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, रिक्त पद 18,381 भर्ती की अभी वित्त विभाग ने मंजूरी नहीं दी है। साथियों इस भर्ती की वित्त विभाग ने अभी मंजूरी नहीं दी है, इस बात का ध्यान रख लेना, अभी इसकी कोई मंजूरी नहीं हुई है। अगर आप वैसे किसी की वीडियो देखते हो या भाई कोई वैसे बता रहा है आपको कि भाई आवेदन शुरू हो गए हैं, तो बिल्कुल फेक है, कोई आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। साथियों अभी तो वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी भी नहीं दी है। हाँ भर्ती जरूर आएगी, ये हम कह सकते हैं कि भर्ती तुम्हारी जरूर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया आवेदन ही शुरू कर दिए, थंबनेल पे लगा देते हैं आवेदन शुरू, तो वो ऐसा नहीं है, भ्रमित मत होना। ठीक है ना, वित्त विभाग ने मौजूदा नियमों में संशोधन करने को कहा है। वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि इसके जो पहले के नियम हैं उसको बदला जाएगा। पहले तो योग्यता पांचवी पास और इंटरव्यू से चयन होता था, अब ऐसा नहीं होगा, अब आठवीं या दसवीं पास योग्यता रखी जाएगी और हो सकता है जहां तक इसमें एग्जाम की भी संभावना बढ़ रही है। जल्द ही शिक्षा विभाग नियमों में संशोधन करेगा, इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है, और जो शिक्षा विभाग है वो इसके नियमों में संशोधन करेगा और उसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है, बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। खाली पदों पर जल्द भर्ती का प्रयास किया जाएगा, और जो खाली पद चल रहे हैं उस पर भर्ती जल्द से जल्द हो ऐसा प्रयास कर रहे हैं, और जहां तक संभव है वहां तक इसी साल में इस भर्ती का अपने को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं मिल पाएगा दोस्तों, क्योंकि अब तो चुनावों के बाद ही कुछ इसकी सुध लेगी सरकार। तो जैसे ही चुनाव कंप्लीट होते हैं उसके बाद अपने को इसकी सूचना मिल सकती है, और बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो इसके मामले में वहाँ पर सूचना भी दे रहे हैं, नोटिस भी जारी करवा रहे हैं, कोई तो आरटीआई लगा रहा है कि सर हमें बताओ कि भाई ये कब आएगी कब नहीं आएगी। तो बहुत सारे सुझाव हैं जो पेंडिंग हो चुके हैं, अब तो रोक दिए गए हैं, क्योंकि अब चुनावों के बाद होगा, उन सभी का जवाब आएगा। जैसे ही कोई भी जवाब कोई भी सूचना आती है तो हम आपके साथ साझा कर जरूर करेंगे, और आप हमसे जुड़े रहिएगा, जैसे इसकी सूचना मिलेगी तुरंत हम आपके साथ शेयर कर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।